हाय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 में आज हम लोग उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल्स यदि आप लोग पढ़ रहेंगे तो क्वेश्चन समझने में बहुत ही सरलता प्रदान होगी। तो देखिए, हमारा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं पहले से ही, तो इसके पहले कुछ हम ट्रिक बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को बताया गया है कि डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का अवकलन हमेशा ई की पावर एक्स होता है और डी डी एक्स ऑफ लाग ऑफ एक्स का फार्मूला होता है 1/x, ये भी आप लोगों को बताया गया है, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड हम लोग जानेंगे। देखिए, यह आप लोग अब जाके चर घातांकीय लघुगणकीय श्रेणी में चल रहे हैं। अब लघुगणकीय श्रेणी के लिए इन सबको सॉल्व करने के लिए कहीं कहीं आप लोगों को टीचर्स बताए होंगे कि एक्स बराबर टी या लाग एक्स को टी मान के चलिए तो हमारा सिंपल सॉल्व होगा, वो भी आप लोगों को आगे तरीका मिलेगा। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस अपने तरीके से लिख रहे हैं उसको जान लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा ई की पावर माइनस एक्स। अब कहा क्या है प्रश्न, एग्जाम्पल्स 29 है 5.4 के पहले कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहला वर्क आपका ये है कि उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या लग जाएगा आपका, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब आप लोगों को अभी अभी बताया गया कि डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का अवकलन हमेशा ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स ही तो होगा। लेकिन जब एक्स के जगह अलग वैल्यू तो उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट होता है, तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, लेकिन x की जगह क्या लिखा गया है, माइनस चिन्ह आ गया है। तो डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का एक बार फिर से क्या होगा आपका, अवकलन। तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर माइनस एक्स इंटू, माइनस तो रहेगा ही, या तो माइनस को पहले कर दीजिए, माइनस तो कांस्टेंट है। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स का अवकलन क्या होता है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो हमारे यहाँ सॉल्यूशन प्राप्त होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन के बाद आगे हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यही लिखा गया है, क्यों ना इसको सॉल्व करने से पहले कुछ थियरी बता दिया जाए कि जैसे कहीं अगर लिखा गया है टैन कोष्टक में लॉग ऑफ एक्स, यही दे दिया है, कह दिया इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, वाई से डिनोट करेंगे ही। अब वाई पर किसके सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स, क्योंकि दाहिने पक्ष में एक्स के लिए ही वैल्यू ली गई है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टेन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको लगाना है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अब आप लोग बताइए कि डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यही तो फॉर्मूला होता है। तो टेन इसको क्या मान के चलिए कि एक्स लिखा गया है, ऐसा मान के चलते हैं कि यह एक्स लिखा गया है। तो टेन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है, लॉग ऑफ एक्स, टेन एक्स यानी एक्स की जगह लॉग एक्स, तो उसका बगल में एक बार फिर से क्या होगा हमारा, अवकलन। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर कोष्टक में लॉग ऑफ एक्स है, अब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x, यही इसका सॉल्यूशन है। तो इसी हिसाब से हमको लगता है कि दूसरा एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, आप लोग सॉल्यूशन करके हमारे पास सेंड करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो एक कमी करते हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन है, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बगल में बेल आइकन रहता है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपलोड मिलते रहे, ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोग सेंड करेंगे हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है क्रॉस इनवर्स ई की पावर एक्स, यही वाई बराबर लिया गया है। तो हम इसको छोड़ रहे हैं, इसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जांपल, वाई बराबर साइन इनवर्स ई की पावर एक्स, हम इसको बता रहे हैं, यह क्वेश्चन आप लोग हमारे पास सेंड करेंगे सॉल्व करके, ठीक है। किसके सापेक्ष अवकलन होगा, एक्स के सापेक्ष। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ई की पावर एक्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब ध्यान से देखिए,
डी डी एक्स आप साइन इनवर्स इसको क्या समझिए कि लिखा गया है, यक्स लिखा गया है। तो साइन इनवर्स यक्स का फॉर्मूला होता है वन अपान अंडर रूट में वन माइनस यक्स का स्क्वायर। क्यों डी डी एक्स आप साइन इनवर्स यक्स का फॉर्मूला बताया गया है कि वन अपान अंडर रूट में वन माइनस यक्स स्क्वायर होता है। अगर कास होता तो आगे केवल माइनस लग जाता, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स यक्स हमारा यक्स की जगह क्या है, ई की पावर यक्स, तो यक्स के जगह जो यक्स स्क्वायर है वहां पर ई की पावर यक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और जब यक्स के जगह ई की पावर यक्स तो बगल में उसका एक बार फिर से क्या होगा, हमारा अवकलन होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स आप ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स का गुणा एक में ई की पावर एक्स बटे अंडर रूट में वन माइनस ई की पावर पूरे का स्क्वायर क्या आ जाएगा यार, टू एक्स। ये नहीं कि एक्स स्क्वायर कहेंगे, नहीं, घात का हमेशा घात में गुणा होता है, ठीक है ना। तो टू का गुणा इसमें क्या आ जाएगा, टू एक्स। हमारे यह भी क्वेश्चन सार होता है, तीसरा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है e की पावर cos ऑफ x, तो हमने इसको किससे डिनोट किया, y से डिनोट किया। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e की पावर cos ऑफ x, तो dy बाय dx बराबर। अब ध्यान से देखिए, देखिए इसके लगाने का तरीका एक ये भी है कि जो ऊपर e की पावर x होता है, हम पढ़े हैं यही फार्मूला कि e की पावर x होता है, तो cos x को t मान के लगा सकते हैं तब भी आएगा। तो यह थियरी हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो e की पावर cos x का फार्मूला देखिए, e की पावर cos x तो हम फार्मूला में आज तक पढ़े ही नहीं है, तो इसके लिए हम एक चीज़ और बताए थे ना कि e की पावर अगर x है तो उसका फार्मूला क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर cos x का वही कर दीजिए, e की पावर cos x। लेकिन e की पावर x यानी x की जगह cos x है, जब भी x के जगह कोई वैल्यू चेंज होती है, चाहे जो भी वैल्यू हो, उसका एक बार पुनः अवकलन होगा। तो आ जाएगा dy / dx बराबर e की पावर cos ऑफ x into डी डी एक्स आप कास एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। तो आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, यही चिन्ह पहले कर दीजिए माइनस, और साइन एक्स को भी पहले कर दीजिए, और बचेगा क्या आपका ई की पावर कास ऑफ एक्स, यही आपका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। देखिए आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, दूसरा, तीसरा। अब चौथे के लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे कि ई की पावर साइन एक्स दे दिया है एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन दे दिया है ई की पावर टेन एक्स, ठीक है ना। हमको लगता है कि ये भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं, दे दिया जैसे लॉग ऑफ साइन एक्स दे दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका अवकलन कीजिए। और भी कुछ क्वेश्चन दे दिया है, जैसे साइन ऑफ टेन एक्स दे दिया है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि ई की पावर लॉग ऑफ एक्स, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारे पास सेंड करना है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप लोग हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है।